अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो मेरे भाइयों? ठीक हो? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। मेरे चैनल को आपने इतना लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करा, इतना प्यार करा, तो बस आप लोगों की मोहब्बत है। तो आज मैं आपको तिगारा बनाना बताता हूँ, तिगारा कैसे बनाते हैं। तो आपने एक डोर का टुकड़ा लिया है, छोटा सा इतना बड़ा टुकड़ा लेना है और आपने इसको डबल करना है इस तरह से। ये डबल कर लिया डोर का टुकड़ा। अच्छा, डोर का टुकड़ा डबल करने के बाद एक आपने डोर लेनी है, कम से कम 4 फीट का टुकड़ा डोर का, सही है। तो इसको आपने डोर के टुकड़े को लेके 3 कांटे लेने हैं, ये हाथ में ऐसे रखना है, 3 कांटे। अच्छा, ये 3 कांटे लेके ये डोर आपने हाथ में लेके इसको डबल कर लेना है यहाँ से, इसके बीच में आपने रख देना है, सही है। अब तीनों कांटों को आप इस तरह से ज्वाइन कर लें, इसको आपने ऐसे डबल करना है। एक सिरा इसका मोड़ के यहाँ रख लेना, जैसे वो डबल पीस रखा है, ये देखें, इसके बीच में इस तरह से जाम कर देना है। फिर आपने इसको यहाँ से पकड़ना है और इस तरह से इसको बल देना है। 3 पीस आपके ज़रूर चाहिए होगा। ये बल देने के बाद आपने इसके अंदर ये जो आपने फंदे घुमाए थे ना, 2 पीस रखे थे, इसमें इस तरह से बल मारना है, 1 और 1 2, ये देखिए। खास ख्याल रखना है, 2 बल मारने के बाद आपने इन 3 पीसों को रिटर्न खींचना अपनी तरफ और इसको इसको यहाँ खींचना है, सही है दोस्तों। जो हमारा तरीका है, बहुत सारे तिगारे बनाने के तरीके हैं, जो हमारा तरीका है वो आपको हम बताते हैं इंशाल्लाह। और बहुत ज़बरदस्त तरीका है, ये भी देख सकते हैं आप लोग। जितना खींचेंगे उतना टाइट होगा ये। ये 3 सिरा आ गए आगे और ये देखें किस तरह से। अब आपने इन 3 सिरों को खींच लिया, इसके अंदर रखना है आपने, चुम्टी के अंदर रखना है, ये देख रहे हैं, इसके अंदर। अगर आप अंदर नहीं करेंगे तो ये तिगारा सही नहीं बनेगा। और उसके बाद आपने इन 3 को यहाँ से खींच लिया, ये जितना खींचेंगे उतना मज़बूत। और फिर उसके बाद आपने इसी पीस को, जो बड़ा वाला पीस है, उसको यहाँ से बल देना शुरू कर देना है, खींच खींच के, ये देखिए, ये बल देना शुरू कर देना है ऐसे। मगर आपने जितनी ताकत आपके अंदर है उतनी ताकत लगा देनी है ताकि ये आपका तिगारा घूमे नहीं। देखिए, ये तिगारा में, और फिर उसके बाद आप इसके अंदर अंगूठे में 1 पीस को बल दे लें और फिर इसको करीब कर, इसको जो है यहाँ से इस तरह से उंगली में अंगूठे में बल दे के तो आपने इस तरह से गोल गोल घुमाना है, ये देखें। फिनिशिंग चाहिए, फिनिशिंग भी चाहिए, पायदारी भी चाहिए, ये देखें, देख रहे हैं कितना फिनिशिंग से बन रहा है तिगारा। पैर के अंगूठे की मदद से आपने इसको जाम करके रखना है, इसको आपने इस तरह से गोल गोल घुमाना है, ये देख रहे हैं, ये तिगारा आपका बनता जा रहा है, बल लगते जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग किस कदर फिनिशिंग भी आपके सामने है, तिगारा भी आपके सामने। अगर आप इस मदद से पैर में अंगूठे में आप दबा के फंसा के इस तरह से करेंगे तो आपका तिगारा फिनिशिंग से बनेगा और किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं। मार्केट से आप अगर तिगारा ख़रीदते हैं तो 100 से 120 रुपए का आपको तिगारा मिलेगा, और आप कांटे ले लेंगे तो कांटे आपको सस्ते मिलेंगे। और ख़ास तौर पर आपने कांटों की नोक लाजमी देखनी है,
कांटे बेंड ना हो, कांटों की नोक खराब ना हो, क्योंकि तिगारा धार वाला ही चलता है। ये देखें मैं किस तरह से इसको लपेटते हुए लाया हूँ, ये देख सकते हैं। अच्छा, ये पूरा का पूरा आपके सामने कोशिश है। ये मेरी उंगली हाथ में अगर चोट नहीं लगी होती तो मैं और इसको वीआईपी करके आपको दिखाता। अगर मेरे उंगली में लगी हुई चोट, इतवार को शिकार पे गया था उसने चोट लग गई, ये देख सकते हैं। ये दिगारा तैयारी पे आ गया है। तो अब इसको आपने क्या करना है, इसको ज़ोर से ऐसा कस के खींच के, खींचने के बाद आपने कांटों को सीधा कर लेना है। ये एक जगह पे, ये आपने इसी तरह से, ये देखें, ये मैंने आपका तिगारा इस तरह से घुमाया उंगली की मदद से, और ये इसमें आपने बल देना है। एक बल निकालना है, दूसरा बल घुमाना है, ये दो बल निकालेंगे भाई। तीसरे बल को निकाल के आपने सिलो सिलो इसको छोड़ना नहीं है, आपने इसको इस तरह से आपने सिलो सिलो खींच देना है। ये आपने खींच दिया, खींचने के बाद ये टाइट हो गया, ये तिगारा आपका बन चुका है। और इसको आप यहाँ से सिरे को काट लेंगे। ये देखें मैं आपको काट के दिखाता हूँ। ये देखें, अब आपने इसको ऐसे बल देना है। तो बल देने के बाद इतनी फालतू डोर है उसको आप काट दें। फिर उसके बाद आपने ये लेनी है, ये बाज़ार में आपकी मिल जाती है आसानी से, इससे हल्की वाली भी मिलती है, और ये फली, और ये जो है आपको गोली वजन भी आप डाल सकते हैं, मसला नहीं। अगर ये नहीं मिले तो आपने इसके तीनों सुराखों, ये तीनों पीसों को ऐसे लेके देख सकते हैं, ये देखें, ये तिगारा आपके सामने। इसको ऐसे बल देने, ऐसे बल दे लेंगे तिगारे को और गिठान मार लेंगे। ये देसी सिस्टम है, बहुत आसान और बहुत अच्छा, सही है। ये देखें, ये यहाँ से दो बार डबल गिठान मारनी है आपने ऐसे, और इसको ऐसे खींच देना है ताकि ये मजबूत हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो डोर है, डोर आपने कम से कम तिगारे पे 60 पाउंड से ऊपर चलानी है ये डोर। और ये वही स्टाइल है कांटा बांधने वाला, इसको आपने यहाँ रखना है, कोई गिठाने नहीं मारनी, कोई कुछ नहीं करना है। ये फंदा होता है, ये आपने इस तरह से रख कर वही तीन चार बल मारने, तीन चार बल मारने के बाद ये आपका तिगारा बन जाएगा इसके अंदर। इसको इस तरह से खींच देना। और तिगारा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ये भी मेरा तरीका था जो मैंने आपको बताया, और भी तरीके हैं वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ये हो गया, तो तिगारा इस वक्त भाई तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा इस तिगारे का इस्तेमाल। तिगारे का इस्तेमाल ख़ास तौर पे आपने देखना है अकेले में तिगारा चलाएं। अगर आपके कोई इधर बैठा हुआ है या इधर कोई बैठा हुआ है तो आप तिगारे का इस्तेमाल नहीं करें। खुदा ना खास्ता किसी के उड़ के लग गया, किसी का कोई नुकसान हो गया, तो वो आप भर भी नहीं सकेंगे, ज़िंदगी भर का रोग बन जाए, आँख में घुस जाए, सर में घुस जाए। अनाड़ी बंदा ख़ास तौर पर तिगारा नहीं चलाए, और भाई आपके लिए कि आप मेरे को देख रहे हैं डुग्गी मारते हुए और मैं पकड़ रहा हूँ, तो आप भी तिगारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ख़ास तौर पे देख भाल के तिगारा चलाएं, दो दरिया पे या कहीं पे भी, क्योंकि इसके नुकसान बहुत हैं। मछली पकड़ना तो आसान है, मछली पकड़ना भी आसान नहीं है, इस पर बहुत तजर्बे और बहुत यानी मेहनत का काम है। ट्रिक चाहिए, ट्रिक के बगैर नहीं। अंधेरे में डुग्गी दिख कैसे आए, लोग सवाल करते हैं,
तो बहुत निगाह को जमाना पड़ता है डुग्गी को पकड़ने के लिए। दूसरा ये कि अनाड़ी बंदा, मैं पहले ही कहूँगा कि ना आप तिगारा ख़रीदो कभी जिसने नहीं चलाया, और ना आप चलाओ। बाकी ये मैंने बताया सिर्फ इसलिए है कि आप लोग बना लो, वो कर लो, मगर ये कि चलाओ मगर आप बिल्कुल खाली जगह पे, जहाँ कोई नहीं बैठा हो। आप पता चला आप वज़न नहीं डाल रहे हो, बिगर वज़न के तिगारा चला रहे हो। बिगर वज़न का तिगारा उड़ के लगता है, वज़न वाला फिर भी आपका उड़ के नहीं लगेगा। और मछली को देख कर पकड़ना पड़ता है, ज़्यादा तिगारा नीचे बैठने भी नहीं दो। अगर तिगारा नीचे ज़्यादा जल्दी से बैठ जाएगा तो आपका तिगारा फंस जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही मेरे भाइयों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। देखते रहो शकील फिशिंग फन, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो मेरे दोस्तों, और कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताओ मैंने ये मेहनत कैसी करी आप लोगों को बताया। और भी कोई बात हो तो मेरे से पूछ सकते हो, ये जल्दी जल्दी मैं आपको बता दिया मैंने फिर भी, मगर ये कि इंशाल्लाह आप मेरे से और कोई सवाल जवाब करना चाहो तो कर सकते हो कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़। आज तक के लिए इतना ही। ओके मेरे भाई।